Constipation is a big issue for a lot of people. If you're constipated, understand that your body is accumulating a lot of toxic buildup which needs to be out of your body, not in. बहुत से लोग इस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं और जो चीज़ें जो मार्केट में जो इस वक्त अवेलेबल हैं, जो मेडिसिन खाते हैं, अगर उनसे भी आपको आराम नहीं मिल रहा तो देन यू शुड ट्राई द नेचुरल स्ट्रैटेजीज. बट बिफोर यू डू दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड what is proper or a healthy bowel movement. And your healthy bowel movement is that you should be going to the toilet once a day. That is at least one to twice a day is healthy bowel movement. If you are not doing that, then your bowel movement is compromised. और आपको क्या करना है कि आपको उस constipation के ऊपर काम करना है, क्योंकि जो आपके toxic buildup आपकी body के अंदर पड़ा हुआ है वो सिर्फ सिर्फ वहाँ पर पड़ा नहीं हुआ, that can become a breeding ground for a lot of the bad bacteria ke jo further aapki body ke andar toxicity aur problems create kar sakte hain. So it is absolutely critical, if your goal is weight loss, if your goal is to improve thyroid function, whatever your goal is, you need to improve your bowel movement because you need to get the waste out of your body. To iske tareeke kar kya hote hain, the natural support strategies are very simple. Pehle to ye ki apni pani ki intake ko badhaye, ke start having about 8 to 10 glasses of water every day, because dehydration is linked with constipation. Aur usme se jo ek ya 1 to 3 glasses, you should have a pinch of pink salt and add lemon to it. That is also known to be having laxative properties, jo aapki constipation ke problem ko reduce karega. To aapne 8 se 10 glass pani piya din mein, aur uske andar se 1 ya 2 ya 3 glass jo hain uske andar aapne per serving ya per glass aapne एक चुटकी पिंक सॉल्ट, पिंक हिमालयन सॉल्ट डाला और थोड़ा सा नींबू निचोड़ा, जिसको हम नींबू पानी भी कहते हैं. दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू. दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि जो फाइबर फूड्स हैं जिसके अंदर आपके फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं और सुपर फूड्स लाइक फ्लैक्स सीड एंड चिया सीड्स, ये आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करें. दैट आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ द मच नीडेड फाइबर एंड ऑल ऑफ द अदर बेनिफिट्स लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एटसेट्रा, जो कि आपको फर्दर आपको बेनिफिट देंगे. तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं टू इम्प्रूव कॉन्स्टिपेशन इज टू एड एलोवेरा जूस. एलोवेरा जूस इज अवेलेबल इन द मार्केट, इट इज अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल. आप एलोवेरा जूस को आप ऑन इट्स ओन भी पी सकते हैं, आप उनको अपनी स्मूदीज में भी मिक्स कर सकते हैं, आप उसको सैलड के ऊपर भी डाल सकते हैं. बट वट एवर यू डू इन वट एवर शेप और फॉर्म यू टेक इट, यू मस्ट टेक इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. और ये जो एलोवेरा जूस है, दिस इज कॉमनली अवेलेबल एवरीवेयर. लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम ये है, यू सी डोमेस्टिकली दैट द मोस्ट ऑफ अस विल जस्ट लुक एट फूड एज टेस्ट. That is one of the problems, that if the taste is not good, we don't want to have it. हम दवाइयाँ खा लेंगे लेकिन हम अपने फूड को मेडिसिन में ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट इफ यू लुक एट फूड एज मेडिकेशन, इफ यू लुक एट फूड टू बी समथिंग दैट इज गोइंग टू हील यू, वेन यू चेंज योर माइंड सेट योर बॉडी एंड योर माइंड आर गोइंग टू चेंज एज वेल, बिकॉज आप अपने खाने को न्यूट्रिशन और हीलिंग और आपको हेल्थ वाइज और मेंटली और फिजिकली हेल्थ वाइज सपोर्ट करने में वो आपको काम करेगा. सो यू ट्राई दीज स्ट्रैटेजीज एंड यू कैन बी श्योर दैट योर कॉन्स्टिपेशन इज गोइंग टू गेट बेटर.